सर यही है सर, ये लीजिए सर। इधर करना है? हाँ सर। मैडम, मैडम। ओह, कौन है ये? डॉक्टर प्रमोद की वाइफ है, कोमा में है, कोमा। वैसे इन्हें पहले कभी होश आया है क्या? दूसरी नर्स कह तो रही थी कि पलक झपकाई थी, पर मैंने नहीं देखा। ए मैडम, आप इतना भी नहीं देख सकती तो यहाँ पर क्यों है? अरे चुप रहो सर, सिर्फ एक यही पेशेंट नहीं है, दूसरों को भी देखना होता है। तो नहीं पेशेंट को जाकर देखो। ओए मैडम, तुम्हारा पति वहाँ कोहराम मचा रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ये विजिटिंग कार्ड रख लो, इनकी बॉडी में कोई भी हरकत हो तो मुझे फोन करना प्लीज। मैं डॉक्टर से कह दूंगी सर। लेकिन इसे आप रख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सर इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, प्रमोद का अगला टारगेट कौन है कैसे पता चलेगा? हाँ क्या हुआ? साइकोलॉजिकल एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों ने मुझे 135 लोगों की फोटोज दी हैं। उनमें से टॉप के 15 लोगों को फिल्टर किया है जिनकी फोटोज इस फाइल में हैं। ये लोग मेडिकली हेल्दी और ताकतवर हैं। सोसाइटी में लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। इन 15 लोगों में हम जिसे भूल रहे हैं वो टारगेट है या नहीं, ये हमें सिर्फ रुद्रण ही बता सकता है। अच्छा सर, इसमें जो डॉक्टर लिखा है वो सचमुच का डॉक्टर या सिर्फ नाम का डॉक्टर है? जो आदमी मरा है वो बहुत बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश किया गया है, इसलिए अभी लोगों को साफ साफ समझ में आए ऐसा डालो। सर इसमें तो बहुत सारी डिग्री के बारे में लिखा है, इसमें सबका लिखूं या सिर्फ डॉक्टर का ही लिखूं? बोलिए सर। जो बोला था वही लिखा है ना? हाँ सर। पक्का वही है? जी सर। ठीक है जा। सुनो बहन, ये भाई साहब कौन है? जो मर गए हैं उनके जिम ट्रेनर हैं। पिछले 6 महीनों से यही उनके साथ रहते थे और उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे। अबे बंदर है क्या पेड़ पे चढ़ रहा है? इधर आ। Thank you.
गुड मॉर्निंग। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। लाइए। अरे मैं देख रहा हूँ ना। मैं देख रहा हूँ ना, आप छोड़िए। डिस्चार्ज का जो अमाउंट है क्लियर कर दिया? सब क्लियर है। कितना हुआ बता? आइए मैं पे करता हूँ। ओके सर। सब कुछ पैक कर लिया ना? सब लेके नीचे आओ, मैं हूँ नीचे। अरे तू कहाँ जा रहा है? पिताजी भर के ले आएंगे ना। तो चलो एक एक हाथ रम्मी हो जाए। हाँ भी ना डैड, मेरे पास पैसे नहीं है। कुमार, दाल बना दो या सांबर ही बनाऊं? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आओ बैठो कुमार, बोलो। सर ड्यूटी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। रेस्ट करने से बोर हो गए हो क्या? ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो, अच्छी बात है। थैंक यू सर। तुम्हें अपने टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि रिकॉर्ड के लिए उसे सबमिट करना जरूरी है। फिर परसों से ज्वाइन कर लेना। ओके सर। कैसे टेस्ट? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। देखो ये और सबको पता नहीं है। सी, अगर ये एक एक्सीडेंट था तो फिटनेस टेस्ट करना जरूरी है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मामला नियर टू डेथ पहुंच जाता है तो ऐसे टेस्ट जरूरी होते हैं। सर 4 महीने हो गए हैं और डॉक्टर के कहने पर ही मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं तो। नो कुमार, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ठीक ठाक हो, बस एक फॉर्मेलिटी है ये। प्लीज डू इट। ओके सर। अरे इसका तो रोज का नाटक ही है। तुम्हारे पति के साथ भी तो हो चुका है ना, वो सुधरा क्या? और इसको देखो, इसका तो दिमाग ही कहीं और चला गया है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू समझाना अपने पति को। दीदी ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उस लड़की का कैरेक्टर ही कुछ गड़बड़ है। ए ज्यादा बोल मत, पहले अपने पति को काबू रखने के लिए बोल। अरे अच्छा बस करो। क्या चाहिए सर? इंस्पेक्टर कुमार, डॉक्टर से मिलना। सर आप वहां बैठ जाइए ना, हम बुलाते हैं। सावित्री बहन, पहले आप अपने पति को समझाइए, ऐसे सपोर्ट मत कीजिए। उससे कहिए कि किसी औरत के ऊपर हाथ ना उठाए, उन्हें अच्छे से समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे। और अब आप दोनों ऐसे आपस में झगड़ना बंद कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं उन्हें जरूर समझाऊंगी। आप सबका हो गया? टाइम हो रहा है, मैं यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। अपॉइंटमेंट? मैं अदिति बोल रही हूँ, किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी है क्या? ओह ऐसा है, ठीक है आप लोग जाइए अब। ठीक है, ठीक है।
मैं अंबत्तूर का इंस्पेक्टर हूँ। 3 महीने पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए मैं समझा नहीं। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इंसिडेंट, हाई ट्रॉमेटिक नियर डेथ इंसिडेंट। ओ सॉरी, जुबान फिसल गई थी। 3 महीने हो गए, आई एम ऑल राइट नाउ। फॉर्मेलिटीज के लिए बोल रहे थे इसलिए ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज। देखिए आई एम ऑल राइट नाउ, बाकी के डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। आप साइकियाट्रिस्ट हैं क्या? सॉरी, आप मनोचिकित्सक हैं क्या? जी नहीं। शुरुआत ही बिल्कुल गलत रही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? कमाल है, मैं पिछले 3 महीने से बेड पर लेटा हूँ, ये सवाल मुझसे पूछने लायक है? नहीं, लेकिन आजकल के पेशेंट्स ज्यादातर फिल्में देखना पसंद करते हैं। अगर फिल्म पसंद नहीं आई तो सो जाते हैं। पिछले साल मुझे टाइफाइड हो गया था, तब मैंने 11 मूवीज देखी थी। देखिए मैं पुलिस वाला हूँ तो पायरेटेड डीवीडी में मूवी देखना पसंद नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम बीमार पड़ोगे ना, कोई पुरानी मूवी की ओरिजिनल डीवीडी मंगाकर पूरी फिल्म देख लेना, फुल टाइम पास हो जाएगा। सच कह रही हूँ कि बहुत हेल्प करेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कब ठीक होऊंगा, इन सब बातों से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ की है? सर्टिफिकेट का कलर जेरॉक्स है, ओरिजिनल बैंक में है, लोन चल रहा है ना? ओके आई एम सॉरी, मजाक में पूछ लिया, गलत मत समझना। आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही है, इसमें सॉरी क्या बोलना? नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप इस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं हैं। अगर किसी ने आपका आईडी पूछ लिया तो आप उसे दिखाएंगे नहीं क्या? तो फिर तो आपको सॉरी कहना ही पड़ेगा। आपके अंदर अब भी डर है? सॉरी मैं समझा नहीं। अब भी आपके अंदर उस इंसिडेंट का खौफ है, डर लगता है? अभी आपके लिए ड्यूटी ज्वाइन करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़े और दिन के ट्रीटमेंट के बाद ज्वाइन कर लेना। आप कैसे कह सकती हैं कि मेरे अंदर डर है? मैं डॉक्टर हूँ और आप पेशेंट हैं, मैं आपके बारे में आपसे बेहतर समझ सकती हूँ। पागलों की डॉक्टर की तरह बात कर रही हैं आप, जरा एक बार अपनी डिग्री दिखाइए। कितना ईगो है तुम्हें, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाती ही नहीं। मेरा शक सही निकला, कंफर्म करना था कि आपके अंदर डर है या नहीं, और अब कंफर्म हो गया है। कितना गुस्सा आता है आपको, और जितना ज्यादा गुस्सा उतना ज्यादा डर। बंद करो अपनी बकवास। सॉरी। गेंडे का बच्चा है, मारो तो अपने हाथ में चोट लगती है। जो पी रहे हो शराब नहीं पानी है। सीरियसली कह रहा हूं, पानी पीकर ऐसे रिएक्शन दे रहे हो, शर्म की बात है। आओ हमारे साथ बैठ जाओ और मूड बना लो। कितनी हिम्मत है उस मेंटल में जो मुझे देखकर ऐसा कह रही है। कौन से मेंटल की बात कर रहे हो? और कौन, वही साइको डॉक्टर। ये क्या है यार, मैंने पहले ही कहा था कि हम नेक काम करते समय डॉक्टर की बात नहीं करेंगे, उसकी बात कतई नहीं करेंगे, कसम खाया था कि नहीं। ओए बेवड़ों के लिए कसम क्या मायने रखती है? ये कहने के लिए तुम्हें भी नशे में होना चाहिए, भूल रहे हो तुम। अरे बताओ ना इसे। अरे जाने दीजिए भाई साहब, जो बोल रहे हो वो बोलने दीजिए। एक आध काम पड़ रहा है क्या? नहीं है ना, हमारे पास आया है पूछने के लिए, कम पड़ रहा है, जाओ अपना काम करो। ए इनसे क्या पूछ रहे हो, चलो बैठो। थैंक यू सर। ए वो जो एक मुर्गी को पकड़ा हुआ है ना, जाकर उसे सबक सिखाया जा। चेन क्या? ईव टीजिंग का है, जाके देख लो। जाकर देख लो। ए सर आपको नहीं बोला मैंने, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसे को तो काट देना चाहिए, कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर सही, ये बताइए आपको कोई लड़की डरपोक कहे तो आपको कैसा लगेगा?
क्या ऐसा कहा उस डॉक्टर ने? जैसा उसने बोला वैसा ही बोल के दिखाऊं? इज्जत से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आता है क्या? जो पीकर मान सम्मान की बात करे उससे बात करना ही बेकार है। जिसको पीने के बाद ही मान सम्मान समझ में आता है उससे बात करना ही बेकार है। करेक्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुस्सा हो गए क्या? अरे गुस्सा होने की किसको परवाह है, वो तो बॉटल ही उठा कर ले गया। लेकिन भाई आप कैसे मेंटल सर्टिफिकेट पास करवा कर ले आए? वो मेंटल सर्टिफिकेट नहीं, साइकियाट्रिस्ट वैल्यूएशन है। वही तो पूछ रहा हूँ, आप पास कैसे हो गए? दूसरे किसी को मत बताना, मैंने डीएसपी सर को बोला तो उन्होंने दूसरे किसी डॉक्टर को हायर करके पास करवा कर दिया है। किसी पागल की बातों में आकर ड्यूटी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ जाती तो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैश या कार्ड? कैश खत्म हो गया, कार्ड लो। सर 183 टोटल हुआ है तो कार्ड से पे नहीं हो पाएगा, कुछ और खरीदना है। आई हैव टू चेक। आई हैव 200 कैश। मैम सर थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, इन्होंने आपको 5 रुपए कम दिए हैं। हाँ चेक कीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ सर। सॉरी सर। ओह इट्स ओके। Are you a student? Thanks, but I'm a doctor, psychiatrist. Wonderful. मैं भी BSc psychology का student था, लेकिन business management और marketing की वजह से सब कुछ पीछे ही छूट गया. By the way, I am Rudran, and I'll give you my business card. पता है, you're a motivational guru. आप हजारों लोगों को जीने की सही राह दिखाते हैं. अरे बाप रे, इतना famous हूँ ये पता ही नहीं था मुझे. दरअसल बात यह है कि मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए आपकी इन्फॉर्मेशन रखना भी बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। तो आप कभी क्लास में आई हैं? हाँ आई हूँ, लगभग 3 महीने पहले। रियली? लेकिन आपके यहाँ जो लेक्चर दिया जाता है मुझे उस पर भरोसा नहीं है। एनकरेजमेंट तो मिलती है पर बदलाव की उम्मीद नहीं होती, और ये बात मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। थैंक यू, चलता हूँ। बढ़िया। सर उस दिन आप मेरा पीछा कर रहे थे, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी सर, मुझे कुछ भी पता नहीं था सर, उसके लिए आपने मुझे अंदर करके बहुत टॉर्चर किया सर, इस बार मुझे छोड़ दीजिए सर। हाँ अच्छा, तो तुझे छोड़ दें क्या? ए, इस बार तेरी पिटाई थोड़ी कम होगी, कम पीटेंगे, टेंशन मत ले। हाँ सर, वार्डन रोड, 5 मिनट में आ रहा हूं। मूर्ति सर, वार्डन रोड। ओके सर। मर्डर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, लेट नाइट शूटिंग करके लौटी थी, उसके साथ उसका पर्सनल मेकअप मैन भी था सर। यहाँ पर जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसे टेस्ट के लिए लैब भेज दिया है सर। उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल है सर, ऐसा लग रहा है रेप अटेम्प्ट केस है सर। और कोई डाउट? नहीं सर, लेकिन डायरेक्ट DIG का फ़ोन आया था सर। DIG का? जी सर। बड़ी सेलिब्रिटी है क्या? हाँ सर, विमसा नाम है। उसको छोड़ दो, बैक साइड से जाओ। उठाऊं क्या?
सर क्या हुआ सर? कहिए सर, क्या सेवा करूं आपकी? मुझे एक रूम चाहिए। सिंगल डबल क्या दिखाऊं? ए, मुझे चाबी दो। ओके सर, गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। शॉपिंग मॉल में देखा था तुम्हें, वहां से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। मिस्टर कुमार, यू नीड हेल्प, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। मेरी बात hey! मिस्टर कुमार, जाओ यहाँ से। सर सर सर, बात क्या है? क्या हो गया सर? सर बताइए तो सही, क्या हुआ? प्लीज सर बताइए ना, क्या हुआ? नो प्रॉब्लम सर, मेरा घर बगल में ही है, आप एक घंटा आराम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, okay. ज्यादा सोचिए मत सर, आइए ना सर, आइए। हे, अभी तुम लोग तैयार नहीं हुए? सब तैयार हो गए हैं। अरे टाइम नहीं है, जल्दी चलो। पापा आप भी हमारे साथ चलिए ना। पापा, पापा को अभी बहुत काम है बेटा, तो सब काम छोड़कर हमारे साथ चलिए। मेरी प्यारी बेटी, चलो 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 चलो। हाँ, जल्दी चलो चलो। आइए भैया, चलो तुम लोग निकलो। चलो ये लो, पकड़ो इसे, संभल कर जाना, फोन करना। इस वक्त कौन हो सकता है? आप तो वही डॉक्टर है ना जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना किया था? हाँ वही हूँ, और ठीक ही कहा था ना, अगर ये ड्यूटी पर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट रुकिए रुकिए, इंजेक्शन उसे लगाना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, वो थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जाओ जाके चेक करो, वो सो रहा है या उठ गया। हमारे डिपार्टमेंट को उनकी बहुत जरूरत है, आप उनको किसी भी तरह से अच्छा कर दीजिए मैडम। कुमार कुमार, ए, एक बार बोला समझ में नहीं आता, चलो जाओ यहां से। इंजेक्शन लगवा लो, मैं चली जाऊंगी। क्या घूर रही हो? होल्ड योर सेल्फ कुमार, एक सेलिब्रिटी का मर्डर हुआ है, हमारे लिए हर एक मिनट कीमती है। ये मामला ऊपर तक पहुंच चुका है, हाई प्रोफाइल केस है। सर मुझे 15 दिन की लीव चाहिए। व्हाट? सर कल मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, जिस डॉक्टर के पास भेजा था उसने सही कहा था, उस इंसिडेंट का खौफ अभी भी है। कल जो मर्डर हुआ वो और जो मुझे मारने आया था, दोनों केस एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। हाँ सर, मैं
नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूं। मुझे माफ कीजिए सर। वहां पर श्रवण है क्या? इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। पहली बात, दिमाग फास्ट चलता है, उसे कंट्रोल में लाओ, और उसमें इस तरह की एक्सरसाइज हेल्प करेगी। तुम करो, मैं आती हूँ। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज तो उसे बताया नहीं जाता। पुलिस की गाड़ी में मैं नहीं जाऊंगी। चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। यह है मिस्टर रुद्रन, इंडियाज नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर। कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। इनफैक्ट आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, अगर इसके पास जाता तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता। ओह, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। दरअसल इसका क्लास भी कॉन्फिडेंस इज बिलीविंग। मुझे पता है, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, आओ ना, ये सच में सरप्राइज है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा लगता है। मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगी। भाई साहब थोड़ा सा सरकेंगे, हम दोनों साथ में बैठेंगे। क्यों? चलो वहां जाकर बैठते हैं, आओ। इट्स ओके। खुद का हौसला और कॉन्फिडेंस का मतलब आप सब जानते ही होंगे। इसका अर्थ आप सब समझते हैं, लेकिन क्या आपके पास इसे महसूस करने की क्षमता है? नहीं है। इसे समझने और महसूस करने में जो फर्क है, वो एक समंदर की तरह है। पहले महसूस करो और फिर उसमें बदलाव लाने के लिए मेहनत करो। ये काम इतना आसान नहीं है। आपको इस पे काबू पाना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है। टैलेंट इज वेरी वेरी चीप एंड डेडिकेशन इज एवरीथिंग। सॉरी, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपनी हैबिट में डालते हैं तो फॉक्स, तीन बार तुम्हारी क्लास अटेंड की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे सर के ऊपर कर्जा और बढ़ गया। बड़ा आया कॉन्फिडेंस देने वाला, कॉन्फिडेंस देगा कॉन्फिडेंस। पैसे मत बर्बाद करो यहाँ पर। सिक्योरिटी, आपको कोई काम दिलवाऊंगा या आपका कर्जा माफ करवा दूंगा, ऐसा कोई वादा किया मैंने? लेकिन जिंदगी में अच्छे बदलाव के लिए मदद कर सकते। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इतने लोगों के बीच में आवाज उठाने की हिम्मत की ना, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप होना। और यही मैं सिखाता हूँ। यही हिम्मत और कोशिश कहीं बाहर दिखाओगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। चुप कर तू, हम सबको बेवकूफ मत बना, तू सिर्फ झूठ बोलता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कोई दवाई की पुड़िया नहीं बेच रहा और ना ही कोई शॉर्टकट सिखाता हूँ। एक दिन की वर्कशॉप में आपको सिर्फ छोटा आइडिया मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसी को ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो आप उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू गाइस सो क्यों रही हो, खर्राटे ले रही हो। हेलो, हाय सर, मैं हूं कुमार, क्राइम ब्रांच। ओह, दैट्स सरप्राइजिंग, अब पुलिस इंस्पेक्टर भी यहां आने लगे। लगता है बहुत ही प्रोग्रेसिव पर्सन है। थैंक यू सर, आपका सेमिनार बहुत अच्छा लगा और बहुत ही यूजफुल भी है। सॉरी सर, ये है डॉक्टर अदिति, साइकियाट्रिस्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। इन्हें आप यहाँ लेकर आए हैं? हाँ सर। लग ही रहा था। हैव अ सीट। उस केस को मैं डील करूंगा, ऐसा दोबारा मत करना। ट्रस्ट मी सर, इस केस को मैं ही क्लोज करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। वन सेकेंड, इंस्पेक्टर श्रवण से बात कराओ। अब उम्र हो गई है भाई, अगर इस उम्र में ऐसे केस लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी तरह की गड़बड़ हुई तो मुझ पर रिमार्क लग जाएगा। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या कर रही है? ठीक इसी तरह एक मर्डर और हुआ है। उस खूनी का पीछा करते हुए मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था और उसके ठीक तीन महीने बाद उसी तरह एक दूसरा खून हुआ, बिल्कुल सेम मर्डर। दोनों केस एक दूसरे से इतने मिलते हैं, डिपार्टमेंट क्या कर रही है सर? भाई तुमने केस मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं दूंगा। अरे तुम बताओ तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ।
माँ जी, आपका बेटा पिछले 10 दिनों से अलग तरह से बर्ताव कर रहा था, तो इस बर्ताव के बारे में कुछ बता सकती हैं? धीरे धीरे वो बदल रहा है। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूत को देखा। एक दिन अचानक मुझसे बात करने लगा, लेकिन उसके बर्ताव में फर्क तो आ रहा था। बर्ताव में फर्क जरा खुल के बता सकती हैं? उसने काम पर जाना छोड़ दिया। घर बैठे कुछ करे ना करे, लेकिन इंग्लिश पेपर आता था वो उसे जरूर पढ़ता था। और ये बात तो मुझे मेरी बहू ने बताई थी। अचानक सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया। थैंक्स माजी। जब से विमसा मैडम ने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू किया था, तब से ये उनके पर्सनल मेकअप मैन रहे हैं सर। और उनकी मौत के बाद से ही ये गायब हैं सर। उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है सर, पता नहीं कहाँ होंगे। उसके पहले पिछले 3-4 महीनों से ही का बर्ताव कुछ अजीब सा था। कटे कटे रहते थे सर। हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मैंने अपने भाई को गाँव से बुलाया था। सर, जब मैं उनसे पहली बार मिला वो तो मुझे अच्छे लगे। एक अच्छे इंसान की तरह उन्होंने मुझसे बात भी की। मुझे भी हैरानी हुई थी। अरे गाड़ी साइड में करो ना। सर मैं एक मिनट में आया हूँ। सर वो क्या है कि डरिए मत, खुलकर बताइए। सर बात ये है कि वो पूरी तरह से बदल चुके थे सर। बार बार अपनी चीजों की सफाई करते रहते थे। कभी कभी तो उनकी नजर देखकर मुझे बहुत डर लगता था सर। अजीब तरह से देखते थे। मुझे ये भूत भूत पर विश्वास नहीं है सर, लेकिन उनका बर्ताव देखकर मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। उसके चेहरे पर ऐसा कोई बदलाव दिखा था? ऐसा कुछ नहीं था सर, सब नॉर्मल था। एक मिनट। हाँ, अचानक वो ऐसी किताबें पढ़ने लगे। ऐसी किताबें पढ़ते उन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। और अचानक अपने बालों को डाई करने लगे थे। हाँ सर, पिछली बार जब मैंने देखा तो बाल डाई किए हुए थे। उसकी रिसेंटली खिंचवाई हुई कोई फोटो है? एक मिनट रुकिए सर, ये लीजिए सर। मूर्ति, कुछ दिन पहले इसने यहाँ क्लास अटेंड किया था। बहुत बड़े खून का प्राइम सस्पेक्ट है। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज और उनकी फोन डिटेल्स मुझे चाहिए। मूर्ति, उसके दोनों एड्रेस जरा चेक कर लो। ये भूत भूत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कुछ नहीं होता सर, उस मेकअप मैन को 10 दिन से ट्रेस कर रहा हूँ। ना कोई इनकमिंग है ना कोई आउटगोइंग है। ठीक है, उसका सिम कार्ड किस एरिया में ट्रेवल कर रहा है वो ट्रैक किया? सर सिम कार्ड एक्टिव नहीं है, लेकिन सिम एक्टिवेट करने वाला फोन का IMI नंबर है। उस फोन में एक सिम कार्ड डाला गया है और उससे सिर्फ एक ही कॉल किया गया है 6 दिन पहले। कहाँ पे? होटल रॉयल प्लाजा सर। इसका डिटेल चाहिए। रूम नंबर 208 सर। सर गेस्ट कहाँ है? पता नहीं सर, बाहर गए हैं। कहाँ गया पता? पता नहीं। वो क्रिमिनल है क्या सर? उठा के उसे जेल में डालिए। मेरी जान खा गया है। दिन में 5 बार रूम साफ करने को बोलता है। पागल, टिप्स भी नहीं देता सर। क्या हुआ रे भाई? इस रूम में जो गेस्ट रहता है वो कब आएगा? वो ऊपर के बार में बैठा है। सिगरेट चाहिए क्या है? विमसा का खून क्यों किया? वो सब तुम नहीं समझोगे। क्यों, बस तुम जैसे राक्षसों को समझ में आता है? उसे समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। रुद्र ने क्लास में नहीं सिखाया क्या? ए, मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहता था? पहले खून और दूसरे खून के बीच इतना डिले क्यों हुआ है पता है तुम्हें? पहला खून? क्या बोल रहे हो? मेरे पहले खून करने के 5 मिनट के अंदर तुम वहां आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे का
पीछा करके फाइटिंग करके मर गए। इनफैक्ट मैं मर गया और तुम बच गए। ए, ये क्या बकरा है? एक मिनट आता हूं। ये शरीर बेस्ट है, मैं तुम्हें बाद में देखता हूं। अरेस्ट करो इसको। सर प्लीज सर देखिए, इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही बताएंगे। तुम दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए, बड़े लोगों के रिकमेंडेशन की वजह से बचे रहते हो तुम लोग। सिचुएशन तो समझना चाहिए। तुम लोग अपने आप को काबू में रखकर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते। इस बार तो तुम दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखो यूमिको। सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अभी देखिए वो लोग आपको मारने आए, आपने उनको मार दिया और एक सुसाइड कर लिया, ऐसा आप बोल रहे हैं? मैं मर गया और तुम बच गए। मैं मर गया और तुम बच गए। पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए। पानी इस तरह से पीना बिल्कुल गलत है। बोतल में मुंह लगाकर पानी पीना चाहिए ताकि पानी गले में ना लगे। सिर्फ एक दिन मेरे हेल्थ के बारे में मुझे एडवाइस मत दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, ओके ओके, इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन बॉक्सिंग के बारे में तो कर सकती हूँ ना। कोई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता? खाना बनाना तो नहीं आता, पर सीखना है। हेलो, पता नहीं भाई, मैं तो देख रहा था सुबह से भीड़ थी। ये कैसे हुआ? अच्छा सर, सर एडवांस न्यूरोलॉजी का हेड है, नाम है नारायण। इस फील्ड में दुनिया के टॉप तीन लोगों में से एक ये है। न्यूरोलॉजी नर्व टेस्ट के लिए बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है ये। इस फील्ड में पूरे देश में इसका नाम है। काफी दिनों से इंस्टीट्यूट से ये लीव पर था। इनके हाथों में ग्लव्स था जिस वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे हैं सर। सर एनी क्लू? यहां क्या हुआ होगा मैं अपने अनुमान से बोलता हूं। अर्ली मॉर्निंग साइंटिस्ट वॉकिंग के लिए वहां से आया होगा। हे
चुके खून और ये खून, सब में फर्क तो है। रिपोर्ट से पता चल जाएगा सर। इस खून में वो फंसना नहीं चाहता था, इसलिए ग्लव्स पहने थे। लेकिन पहले के खून और इस खून में लिंक है, ये वो खूनी हमें इन्फॉर्म कर रहा है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग आदमी खून कर रहा है लेकिन सारे के सारे खून एक ही तरीके से किए गए हैं, सिर्फ एक खून को छोड़कर। मेरे को समझ में नहीं आया सर, ये कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। उस पहले वाले खून में भी कुछ हासिल करने का क्रोध दिख रहा था, लेकिन इस केस में क्लियर कट एक मोटिव दिख रहा है। सर भैया, क्या हुआ सर? इसका सीरियल नंबर नोट करके मूर्ति को दो। ठीक है। इसका अप्लाई किया हुआ डेट और डिटेल मुझे चाहिए। ओके। ओके। ये बुक, एक बार इस बुक के बारे में बताया था, उसका नाम रुद्रन। हाँ रुद्रन। इस बुक से पापा बहुत इम्प्रेस हुए थे, उन्होंने इसे पूरा पढ़ा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है? ये सेमिनार सुनने के लिए आपके पापा कभी गए थे? नहीं हरगिज नहीं सर, चांस ही नहीं है। वो तो स्टैनफोर्ड से कॉल है तो भी नहीं जाते थे, इस तरह के सेमिनार में तो जाने का सवाल ही नहीं है। थैंक यू। वेलकम सर। सर अभी क्लास में है, 5 मिनट वेट कीजिए, वो अभी आ जाएंगे। जो बताया उसे फॉलो कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, ये आपसे मिलने आए हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? कम इन। सर आर यू ऑल राइट? ऑफ कोर्स I'm all right. आप लोगों को क्या हुआ है? आप परेशान नजर आ रहे हैं। आपका नाम मिस्टर कुमार? हाँ सॉरी भूल गया था, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। क्या पूछना चाहते हैं? आप स्मोक हमेशा करते हैं या कभी कभी? कभी कभी छोड़ देता हूँ, फिर मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। आपको साइंटिस्ट नारायण के बारे में कुछ पता है क्या? साइंटिस्ट मतलब कैसा साइंटिस्ट? पर नाम सुना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, दिमाग की नस के बारे में रिसर्च करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट थे। ओह सॉरी, मैं नहीं जानता। उनके यहाँ आपकी बुक थी तो मुझे लगा कभी उन्होंने आपकी क्लास अटेंड की होगी या फिर आप दोनों की कोई पहचान हो। नो नो, नो। आर यू ऑल राइट? सर कितने दिनों से स्मोक कर रहे हैं? इससे पहले स्मोक किया था क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। सर 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 सर, आपने बताया नहीं कहाँ चलना है। ये सर का कुत्ता है ना? हाँ साहब। क्लास में तो बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता नहीं सर इसको क्या हो गया है, 4 दिनों से तो सर को भी देखकर भौंकने लगता है। एक दिन तो सर को काटने को दौड़ा था, इसीलिए इसे यहाँ बांध कर रखा हुआ है। सर को,
सर आप बिना गुस्सा किए मैं जो कहने जा रहा हूँ सुनिए। सर अगर आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज मैं आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए खतरा हो सकता है या फिर आप किसी के लिए खतरा हो सकते हो। प्लीज सर मेरे कहने के पीछे कोई तो वजह है सर। इससे पहले दो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और वो दोनों आज जिंदा नहीं है। इसके पीछे कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है, मैं एकदम कंफ्यूज हूं सर। गेट आउट। मैं क्राइम इंस्पेक्टर हूं, एक बार सोचता हूं तो कर ही देता हूं, फिर भी इज्जत से कह रहा हूं। और अगर मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगा तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मानहानि का दावा ठोककर तुम्हें मैं आसानी से अंदर करा सकता हूं। तुम जरूरत से ज्यादा मेरी बेइज्जती कर चुके हो। नाउ गेट आउट। देखते हैं। टू मेनी क्वेश्चंस, लेकिन उसने एक भी सही जवाब नहीं दिया। उसे बहुत ही होशियारी से पकड़ना होगा। अरे 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 क्या तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। Hey, stop it! रुक जाओ। Come on! रुद्रन सर आपका कपड़ा तो पूरा गंदा हो गया। स्टॉप इट। क्यों, नई नई शादी हुई है क्या? श्रवण इसकी बात में मत उलझो, इधर लेकर आओ इसे। साइन करो यहां पर।
टू बी एक्यूरेट, इस प्रिंट का करेगा क्या तू? अगर मैंने मेरा पूरा बदन जला डाला तो क्या कर लेगा तू? हाँ, ये रुद्रन का पहला सिग्नेचर करके मिटाया हुआ है। जो पहला सिग्नेचर करके मिटाया है वो स्कैन करके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो ये है, और उसे ये पता चलता है कि उसका नाम प्रमोद है, जिसकी याददाश्त चली गई है। एक आदमी अपना नाम छोड़कर दूसरा साइन करता है तो वो दो ही सूरत में कर सकता है, या तो उसकी याददाश्त चली गई हो या राशि वगैरह देकर अपना नाम चेंज किया हो, और रुद्रन के पास ये दोनों कारण नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये नाम किसका है और रुद्रन इस नाम से साइन क्यों करता है, हमें इस बात का पता लगाना है। सर, यह हमें गुमराह करने की एक साजिश भी तो हो सकती है ना? सर आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, हम लोग इस केस के पीछे 3 महीने से लगे हुए हैं। पहले आप पूरी बात तो ध्यान से सुनिए, हमने जो किया है उसी को आगे फॉलो करेंगे। अगर हमने अपने काम को बीच में रोक दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यस मिस्टर सुभाष, ये एक तरह से सही कह रहा है, अगर मिसलीडिंग भी हो तो हम इसी को फॉलो करेंगे। बट सर, किसी इंसान को ढूंढना अलग बात है, लेकिन सिग्नेचर को कैसे ढूंढेंगे? इस शहर में ही कितने प्रमोद होंगे, यहाँ तो बात पूरे देश की है सर। मैं मानता हूँ जनरली हम लोग ढूंढ नहीं सकते, हमारा मेन सेंटर है रुद्रन, उसे ही सामने रखकर जाल बिछाएंगे। उसके बर्ताव में बदलाव जरूर आया है। अचानक वो ऐसी किताबें पढ़ने लगे, वो तो स्टैनफोर्ड से कॉल है तो भी नहीं जाते थे। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुम्हारे पापा किसी प्रमोद को जानते थे क्या? प्रमोद? तुम्हारे पापा के साथ कोई स्टडी करता होगा, स्टूडेंट कोई ऐसा? सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, आप मम्मी से पूछिए, शायद उनको पता। एक मिनट रुकिएगा, मैं उनको फोन देता हूँ। मैडम आप किसी प्रमोद को जानती? प्रमोद? हाँ हाँ जानती हूँ, इन्हीं के साथ तो काम करते थे। काम करते थे मतलब अब वो नहीं है क्या? हाँ उन्होंने अब काम छोड़ दिया है। क्यों पता है क्या? सॉरी मुझे नहीं पता, अगर आप इंस्टीट्यूट में पूछेंगे तो शायद पता चल जाए। ओके मैम, थैंक यू। टी कॉफी? जी नहीं चाहिए। ये रिसेंटली कंडक्ट किए गए कॉन्फ्रेंस का ब्रोशर है। ये जो लेफ्ट में खड़े हैं वो फॉरेनर सीआर नारायण है, और ये जो आर्मी ऑफिसर हाथ मिला रहे हैं ये है मिस्टर प्रमोद। चलो आखिर एक तो क्लू मिला। सर कुछ चाय वगैरह मंगाइए हमारे लिए। सर अभी ये इसी एड्रेस पर होगी या एड्रेस चेंज किया होगा? आपको पता नहीं क्या, इनको मरे हुए 6 महीने बीत चुके। कैसे मर गए? नेचुरल डेथ था। ठीक है, उनकी फैमिली में कोई है क्या? कोई और तो नहीं है, उनकी वाइफ है। कुछ महीने पहले वो एक कुएं में बेहोश पड़ी मिली थी, और अभी वो कोमा में है, कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। सर हमारी कंडीशन उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर प्रमोद का कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे हम बात कर सकें? एक मिस्टर वेलावेदम है, ऊपर साइंस लैब में जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। आप जाइए, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक्स। Welcome to India's number one state-of-the-art neuroscience laboratory. Hi sir. Hi. Inspector Kumar. मरने के बाद भी परेशान कर रहा है क्या? वो मेरे से 2 साल सीनियर था, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार था। सर प्रमोद नारायण जी के यहाँ काम करते थे क्या? Of course, हम उनके नीचे ही काम करते हैं। Because he is the director of the institution. प्रमोद उससे बहुत जलता था क्योंकि वो खुद को उस पोस्ट के लायक समझता था, लेकिन किसी तरह पॉलिटिशियंस के जुगाड़ से नारायण डायरेक्टर बन गया। लगता है ये बहुत ही बड़े किताबी कीड़े हैं। बियर? नहीं सर। हियर। थैंक यू सर। क्या यार? प्रमोद को नारायण के इस पोस्ट पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर क्या सचमुच डॉक्टर प्रमोद नारायण जी से ज्यादा इंटेलिजेंट थे? बिल्कुल, उनके आसपास तक भी कोई नहीं पहुंच सकता था। ही इज अ विजार्ड। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट थे, और ये कंप्लीट करके USA में न्यूरोसाइंस में डॉक्टरेट किया। फिर यहाँ आकर उन्होंने आयुर्वेद सीखा, उसके बाद नैनो मेडिकल ज्वाइन किया जहाँ वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे। 50 साल की उम्र में न्यूरोसाइंस में बेस्ट और पहले नंबर पर आए थे वो। सर उनके रिसर्च के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये बहुत सीक्रेट है मिस्टर कुमार,
नारायण के पोस्ट पर कौन आने वाला है ये बात किसी को नहीं पता थी। उसे रिवील करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। क्या सर, पुलिस को भी नहीं बता सकते क्या? ये सेंटर का मामला है, आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, किसी मिलिट्री सीक्रेट से कम सेंसिटिव नहीं है। सर, इस केस में बहुत सारी उलझने हैं जिन्हें सुलझाने में हम खुद उलझ चुके हैं। एक लीड थे डॉक्टर प्रमोद जो अब जिंदा नहीं है, दिन ब दिन हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब अगर कोई राइट क्लू नहीं मिला तो लगता है हम मेंटल हो जाएंगे। व्हाट आर यू सेइंग? आप कह रहे हैं प्रमोद का किसी ने खून कर दिया? नहीं सर। तो फिर प्रमोद ने किसी का खून कर दिया? सर, इस केस के बारे में आपको स्ट्रेट बताता हूं, अगर कोई स्ट्राइक हो तो मुझे बताना। हाँ। आज से करीब 6 महीने पहले देवी नाम की एक औरत मणिपतम गांव में उसका खून हुआ था। जिसने खून किया था उसका नाम था दीना, वो एक जिम ट्रेनर है। सही बोल रहे हो, ये तो मुझे भी याद है। दीना प्रमोद का ट्रेनर था, वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। आप क्या कह रहे हो सर, दीना प्रमोद जी का जिम ट्रेनर था? हाँ, यही कहा। जितनी उम्मीद कर रहा था ये उससे ज्यादा ही मिल रहा है। कैसे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरह से प्रमोद इसमें इन्वॉल्व है। 5 खून हुए हैं, उसमें जो कुछ भी मिला है उसका पैटर्न आपको बता देता हूँ। एक इंसान की मनस्थिति और उसके बर्ताव में बदलाव, जो नॉर्मल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादातर अपनी साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसको पानी भी पीना हो तो वो ग्लास को किसी टिश्यू पेपर से उठाते हैं, और स्मोक भी करते हैं तो वो ब्लैक कलर की सिगरेट से, स्पेशली अ पर्टिकुलर ब्रांड। एंड और एक खास बात बोली जाए तो वो औरतों को गंदी नजरों से देखते हैं। 1 मिनट। यही है क्या वो? सर, ये तो वही है। ये तो प्रमोद का ब्रांड है। इस तरह के कैरेक्टर के लोग फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे चेंज होते पता नहीं है, लेकिन जैसे इनमें चेंज आता है तो ये मर जाते हैं। और वो ये खून पुलिस से बचने के लिए नहीं करते हैं, और कोई मामूली सा क्लू देकर ही करते हैं। और काफी मुश्किलों के बाद अगर हम खूनी तक पहुंच भी जाते हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक के जाने के बाद दूसरा आ जाता है, जैसा कि अभी अभी सर ने कहा कि एक के बाद दूसरे के शरीर में भूत उतर गया। अभी जो खून हुआ है उससे अलग नारायण का खून एक मोटिव के हिसाब से किया गया है, क्योंकि उनका खून करते समय ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया है। इस केस से प्रमोद का क्या संबंध है? बहुत सिंपल है सर। देखिए, लास्ट टाइम हमने खूनी को पकड़ा तो उसने प्रमोद के नाम की साइन की, और उसके बाद उसे मिटाकर अपनी साइन की। जेंटलमैन, आपका केस और प्रमोद का केस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने अधिकारों को नजरअंदाज करके वो रिसर्च आप लोगों के सामने रख दूं। ये बात मीडिया और पब्लिक को पता चली तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। प्रोजेक्ट है मायावन, प्रमोद इसी पर रिसर्च कर रहा था। एक इंसान दूसरे की कॉपी कैसे कर सकता है, इसी टेक्नोलॉजी पे प्रमोद रिसर्च कर रहा था। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? उदाहरण के लिए आप कौन हैं सर? आप कौन हैं? कुमार। देखिए, अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? आप अपना नाम बताते हैं ना? और ये कैसे होता है? ये नाम आपके माँ बाप ने रखा है, और आपसे जुड़े हुए सारे लोग आपको इसी नाम से पुकारते हैं। ये सब आपने अपने दिमाग में सेव करके रखा है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो याददाश्त है ना, दरअसल यही आप हैं। सबके लिए जान एक ही है, लेकिन याददाश्त अलग अलग होती है। आपकी जो याददाश्त है वो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रही है, और मेरी जो याददाश्त है उसने मुझे रिसर्च करने के लिए यहाँ बिठाया है। अब इसके बाद की बात ध्यान से सुनिए। अगर हम आपके दिमाग की कॉपी लेकर बाहर आते हैं तो इसका मतलब आपकी कॉपी बनाते हैं। आपकी याददाश्त यानी आपकी जो मेमोरी है, अगर उसे बायोलॉजिकल टर्मों में बताया जाए तो दिमाग के अंदर जो रसायन है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और इन सभी को जोड़ने का जो तरीका है उसे न्यूरोलॉजी साइंस कहते हैं। शुरुआत के दौरों में इस रिसर्च को चूहों के ऊपर किया गया था। इंसान के दिमाग का जो बर्ताव है वो चूहों के दिमाग के बर्ताव से अलग नहीं होता। चूहे के दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन बनती है एक इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करके और सिलिकॉन इंजेक्शन डालकर नैनो ट्रांसमीटर्स के द्वारा दिमाग के अंदर उसे हर सेल में जमा कर दिया जाता है। एक बार कॉपी करने वाले प्रोसेस को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो दिमाग के अंदर है या जो भी याददाश्त है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए बाहर आ जाता है। बाहर आकर चूहे के दिमाग को कम्प्लीटली डिसऑर्डर कर देता है, वो याददाश्त हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाता है। सिंपल तरीके से समझना है तो ये समझिए कि एक टेप में जो एनालॉग साउंड है उसे डिजिटल सीडी में कॉपी किया गया हो। नारायण से पहले जो सीईओ था वो इस टेक्नोलॉजी से काफी इंप्रेस था,
प्रमोद की इस टेक्नोलॉजी से वो काफी इम्प्रेस था और उसने प्रमोद को परमिशन दे दी कि वो इसके लिए एक अलग लैब बना सकता है। प्रमोद ने काम शुरू कर दिया। अगर किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इंसान पागल हो सकता है या वो कोमा में भी जा सकता है और फिर उसके बाद मर भी सकता है। प्रमोद के दिमाग में इस रिसर्च का ऐसा जुनून सवार था कि उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि किसी इंसान की जान जा सकती है। इनफैक्ट वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा था। लास्ट में उसने अपने ऊपर ही वो इंजेक्शन लगाकर दिमाग को ट्रांसफर करने की कोशिश की। अपने फिजिकल ब्रेन को डिजिटलाइज करके उसने हार्ड डिस्क में कॉपी करके रख लिया। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जैसा प्रमोद ने किया, इस कॉपी को रखकर अगर आप मर भी जाते हैं तो ये कभी मिट नहीं सकता। सही शब्दों में कहा जाए तो आप अमर हो गए। सर, इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर आदमियों पर किए जाएं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे ना? नहीं, वो इसलिए, ही इज बीइंग रेटेड वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। उनका जो इन्वेंशन है वो इतना एक्यूरेट है कि लास्ट दिन भी जब वो हमारे साथ था तो उस दिन भी उसके दिमाग में इंजेक्ट किया हुआ वही जेल था। ही वॉज परफेक्टली नॉर्मल। मेडिकल हिस्ट्री में जो आज तक हम सबके लिए एक बड़े ही ताजुब की बात बनी हुई है वो ये है कि एक आर्मी मैन को गोली लगने के बाद भी वो 30 सालों तक जिंदा रहा जबकि उसके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं थी। इस तरह से इंजेक्शन को शरीर के अंदर डालने के बाद जिंदा रहा जा सकता है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। पर यह प्रमोद की बदकिस्मती थी कि पुराने सीईओ का ट्रांसफर हो गया और नारायण नए सीईओ बनकर उस कुर्सी पर बैठ गए। इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोद ने नारायण से अप्रूवल मांगी। एक दिमाग के अंदर के डाटाबेस को दूसरे दिमाग में इंपोज कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि हमने मौत को भी जीत लिया। What crap is this? बकवास? या, पहले ये बताओ कि इससे तुम्हारी क्या समझ में आया? पहले आप बताइए कि आपने क्या समझा। आप तो खुद ही मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से यहाँ बैठे। प्रमोद, प्लीज प्लीज साइलेंट, रिलैक्स, लेट द बोर्ड डिस्कस। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। साइंस इंसान की मदद करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने के लिए। ठीक है, मैं रिजाइन करता हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों की तरह यहाँ पर पगार लेने नहीं आता। मुझे एक रिसर्च अप्रूवल के लिए इसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है मुझे पता है। बाद में इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उसने हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को एक्सप्लेन भी किया। हे भगवान, प्रोजेक्ट मायावन। वैसे ये बताओ कि तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करूंगा? सर, मैं इस प्रोजेक्ट के जरिए आपको हजारों साल जिंदा रखूंगा। यहां तक कि अब्दुल कलाम के ब्रेन को भी मैं जिंदा वापस ला सकता हूं। आप नारायण जैसे लोगों को रिकमेंड करते हैं और उन्हें इंस्टीट्यूट का सीईओ बना देते हैं जिसकी वजह से हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रहा है। बस करो, बहुत हुआ। पहले ही तुम्हारा साइंस और टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बनके आकाश में लटक रहा है और ये 3G 4G इसने हमारे सारी प्राइवेसी को खत्म करके रख दिया है। उसके अलावा तुम्हारा सैटेलाइट का कैमरा हमारे बाथरूम और किचन तक में घुसा हुआ है और अब तुम कह रहे हो कि दिमाग के अंदर भी घुसना चाहते हो। क्या घटिया प्लान लेकर आए हो तुम? तुम इंसान नहीं हो। ये बताओ, एक इंसान के आधार को मिटाकर तुम उसके अंदर जीना चाहते हो, वो भी हजारों साल तक? क्यों, मौत से डरते हो क्या? तुम्हारे इस रिसर्च की वजह से एक आदमी इंडिफिनिट कोमा में पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे रिपोर्ट में है क्या? इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को सुपरवाइज करने के लिए ही खुद मिनिस्टर नारायण को रिकमेंड किया है। ये बताओ, साइंटिस्ट होने का मतलब क्या है? साइंस को मिसयूज करना? तुम कोई साइको हो क्या? पुराने जमाने के बाबा लोगों को तो जानते होगे जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में घूमते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस रहस्य को दूसरों को नहीं बताया। जानते हो क्यों? ताकि तुम्हारे जैसा कोई सिर फिरा उसका मिसयूज न कर सके। विदेश की कितनी ही सारी कंपनियां मेरे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, आपको पता है सर? क्यों भाई, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे हो? वो ऊपर बैठा भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम खुद को भगवान बनाने की कोशिश मत करो। समझ में तो आ गया ना? वैसे आजकल के पॉलिटिशियंस की बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं। तुम्हें अगर छोड़ दिया ना तो तुम मेरे दिमाग में घुसकर ये प्रोजेक्ट किसी तरह से ओके करवा ही लोगे। इसलिए मैं मिस्टर नारायण से बोलकर इस रिसर्च को अभी के अभी बैन करवाता हूं। ये तो समझ में आ गया? आउट। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसकी मौत की खबर भी मुझे न्यूज से ही मिली और जैसा तुम लोग कह रहे हो उसके हिसाब से तो वो अब अमर हो चुका है। ऐसा संभव है सर? बोलेगा तो पता चलेगा।
इसके शू निकालने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। सिगरेट भी लेफ्ट हैंड में ही पकड़ा है इसने। प्रमोद जैसा लगता है ये। आपका पासवर्ड यूज करके ऑथराइजेशन लेकर आई हूं मैं। इट्स ओके मैम, मैं देख लेता हूं। इसका नाम है ट्रूथ सीरम। इसे अगर किसी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो फिर उसके दिल की सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारे देश में अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कानून से हमें परमिशन नहीं है। इसीलिए अगर आप बाहर से ये दवा लेकर इसकी सच्चाई उगलवा भी लेते हैं तो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये केस तो कानून के दायरे से बाहर लग रहा है। हम इसकी सच्चाई को पहले बाहर लाते हैं। ओके सर, या गो अहेड, बी केयरफुल। इस दवा का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता okay. है। अगर इसे दोबारा इस्तेमाल करना है तो इसके लिए कुछ दिन का गैप चाहिए। प्रमोद, प्रमोद, मैं कौन हूं तुम जानते हो ना? तुम्हारा कलीग वेलाउदम। सुन रहे हो ना प्रमोद? तुम्हारी मौत नेचुरल थी या फिर तुमने खुदकुशी की? खुदकुशी। क्यों, क्यों की तुमने खुदकुशी? हाँ प्रमोद, ये दवा इससे सहन नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी असर कर गया है। अपने दिमाग की कॉपी से तुम दूसरे का दिमाग कैसे चलाते हो प्रमोद? कैसे तुम दूसरे के दिमाग को ओवरटेक कर सकते हो? मेरे दिमाग के डिजिटल बैकअप को दूसरे में इंपोज किया गया था। मैंने जिसको सेलेक्ट किया उसका नाम था दीना, मेरा जिम ट्रेनर। अपने दिमाग को इंजेक्शन के जरिए उसके दिमाग के ट्रांसफर मीटर में ट्रांसमिट किया तो वो तुरंत हार्ड डिस्क में जो बैकअप है वो ट्रांसमीटर के अंदर कॉपी हो गया। और जब वो होश में आएगा तो वो हमेशा की तरह नॉर्मल रहेगा। मेरी रिसर्च सही है या गलत ये जानने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी। मेरे मरने के आखिरी वक्त में मेरे अंदर का जो बैकअप था वो सैटेलाइट के ज़रिए दीना के माइंड में रखे ट्रांसमीटर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया था। ये इसका पहला स्टेप था कि दीना की मेमोरी में जो भी पहले से मौजूद था वो सब लूज हो जाएगा और फिर मेरा दिमाग जो उस ट्रांसमीटर में है वो उसके दिमाग में कॉपी हो जाएगा और जब दीना को होश आएगा तो मैं उसके अंदर मौजूद रहूंगा एक नए इंसान की तरह। मैं जब तक दूसरे के शरीर के अंदर मौजूद रहूंगा तब तक मेरी हार्ड डिस्क में जो भी एक्टिविटीज हैं वो मेरी लैब में एक्टिवेट होती रहेंगी और हार्ड डिस्क में अपडेट होती रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने जिम ट्रेनर की वाइफ को क्यों मारा? वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। कहाँ से सीख कर आए हो ये आदतें? कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे हो, घर में भी स्मोक करने लगे हो। छी, तुम जैसे आदमी के साथ तो रहना ही मुश्किल है, चले जाओ यहाँ से। एक्ट्रेस विम्सा, उसे क्यों मारा ये तुम भी जानते हो। थैंक यू, बिल दे देना। ए, ये क्या आदत है तुम्हारी? साफ तो है ये कोई लैब है या केमिकल है? जब देखो साफ सफाई करते रहते हो। आदत से मजबूर हो। हम लोगों को आउटिंग पर जाकर लाइफ एंजॉय किए काफी दिन हो गए हैं। वैसे हम दोनों 25th एनिवर्सरी को ही आउटिंग पर गए थे। अब तो लगता है जब 50th एनिवर्सरी होगी तभी कहीं बाहर जाएंगे। हटिए 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 हटिए, प्लीज प्लीज सर सर प्लीज हटिए। जिंदगी का आधा वक्त लैब सर्च इन सब में सिमट कर रह गया है। हमारे आसपास जो खूबसूरत चीजें हैं उन्हें महसूस करना भूल गए हैं प्रमोद। आसपास की खूबसूरत चीजों को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी सर, आई एम सॉरी। अंधी हो क्या? Listen, I said I'm sorry. अरे तुम सबको अकल नहीं है क्या? देख कर चलना चाहिए ना। हेलो सर, इज्जत से बात कीजिए। अनजाने में गिरा है, सॉरी बोला ना इसने, फिर इतना क्यों चिल्ला रहे? तुम्हारी ये मैडम किसी का हाथ लगने पे एडजस्ट कर ले तो मैं भी कर लूंगा। एडजस्ट करना सिखा रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए, बूढ़ा आदमी, इससे क्या मुंह लगना। जिसे इज्जत की समझ ही नहीं है उससे बात करके क्या फायदा। चलिए चलो। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि उस मेकअप मैन के जरिए मैं उसको खत्म कर दूंगा।
लेकिन ऐसे तुम खुद यहाँ पर रहते हुए दूसरे के शरीर में कैसे रह सकते हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। दीना के जरिए मेकअप मैन की बॉडी को उठाकर मेरी मेमोरी में जो भी था वो मेकअप मैन के दिमाग में कॉपी करके डाल दिया गया। मेरे मरने के लास्ट टाइम में उस मेकअप मैन के दिमाग में ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर दिया गया तो उसका शरीर मर जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। उसी तरह मेकअप मैन के मरते ही रुद्रन के शरीर में जिंदा हो गया। रुद्रन को मरना है ताकि मैं दूसरे के शरीर में जा सकूं। ये तुम कैसे करोगे और कहां करोगे? ये सब मेरी लैब में हो सकता है आराम से। तुम्हारा लैब कहां पर है? माय लैब। तुम्हारा लैब कहां पर है? माय लैब। प्रमोद, तुम्हारा लैब कहां है? लैब। हाँ, अगला कौन है वो पूछो। नो। अब जो तुम खुदकुशी करोगे तो किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? प्रमोद, किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? प्रमोद, कम ऑन डॉक्टर, बोलो, कम ऑन डॉक्टर, कम ऑन। प्रमोद, प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, कम ऑन। किसके शरीर में एक्टिवेट होगे? कौन होगा वो अगला? टेल मी प्रमोद, टेल मी, किसे एक्टिवेट करने जा रहे हो? किसे, किसे? प्रमोद कौन है? हैं? Hey, stop it! Hey, छोड़ो उसे। सर, आर यू ऑलराइट? तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा? सर, 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 हाथ उठाएगा। सर, आर यू ओके? घूम क्या रहा है? प्रमोद ने किसको टारगेट किया है ये पता नहीं चला तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। साइंटिस्ट प्रमोद, उसके दोस्त और उसके रिलेटिव्स, उसके स्टूडेंट्स, स्टाफ और कौन कौन है, पूरी लिस्ट निकालो। सामने वाली घर की औरत कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? सर, यही है सर। ये लीजिए सर। इधर करना है? हाँ सर। मैडम, मैडम। ओह, कौन है ये? डॉक्टर प्रमोद की वाइफ है, कोमा में है, कोमा। वैसे इन्हें पहले कभी होश आया है क्या? दूसरी नर्स कह तो रही थी कि पलक झपकाई थी पर मैंने नहीं देखा। ए मैडम, आप इतना भी नहीं देख सकती तो यहाँ पर क्यों है? अरे चुप सर, सिर्फ एक यही पेशेंट नहीं है, दूसरों को भी देखना होता है। तो नहीं पेशेंट को जाकर देखो। ओए मैडम, तुम्हारा पति वहाँ कोराम मचा रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ये विजिटिंग कार्ड रख लो, इनकी बॉडी में कोई भी हरकत हो तो मुझे फोन करना प्लीज। मैं डॉक्टर से कह दूंगी सर। लेकिन इसे आप रख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सर, इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, प्रमोद का अगला टारगेट कौन है कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या हुआ? साइकोलॉजिकल एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों ने मुझे 135 लोगों की फोटोज दी हैं। उनमें से टॉप के 15 लोगों को फिल्टर किया है जिनकी फोटोज इस फाइल में हैं। ये लोग मेडिकली हेल्दी और ताकतवर हैं। सोसाइटी में लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। इन 15 लोगों में हम जिसे भूल रहे हैं वो टारगेट है या नहीं ये हमें सिर्फ रुद्रन ही बता सकता है। ये क्या है आप जानते हैं मिस्टर रुद्रन? पॉलीग्राफ। सच्चाई उगलाने के लिए दवाई दी जाती है और वो ही कर रहे हैं। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसी पल्स रीडिंग में रुद्रन ने हमको हरा दिया। पहले उसका पल्स रेट बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसमें किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। सर, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट हैं वो सिर्फ नाम के लिए हैं। उसके पीछे एक और टेस्ट चल रहा था फेस रीडिंग में,
उसके फेस रिएक्शन से हम ये महसूस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर उसको इस बारे में कुछ पता चल गया तो वो अपने फेस रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहकर उसके फेस रिएक्शन दूसरे कैमरे पर कैच किए जाएं। ये फेस रीडिंग रिपोर्ट विंसेंट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। इस वीडियो में 3.08 न्यूटन में एक बार वो रिएक्शन है और आपकी फोटो में 3.22 रिएक्शन है, और उस फोटो में जिसमें प्रमोद ने आर्मी ऑफिसर के साथ हाथ मिलाया है उसमें उसके चेहरे पर दो बार घबराहट साफ साफ देखी जा सकती है। ये कॉन्फ्रेंस फोटो में दिखाया गया वो आर्मी ऑफिसर मेजर सत्यम है। सर्च से पता चला है कि मिस्टर सत्यम और प्रमोद कॉलेज से क्लोज फ्रेंड्स हैं, और कल सुबह मेजर चेन्नई आ रहा है सर। किसी तरह हम उसे समझा सकते हैं, ये मुझे यकीन है सर, अगला टारगेट मेजर सत्यम भी हो सकता है। सिर्फ भरोसा दिलाना काफी नहीं है कुमार, क्योंकि वो आर्मी मैन है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने में बहुत रिस्क है। लीगली आगे बढ़ने में शायद अपने पास सारे एविडेंस ना हो। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है। सर क्यों ना हम ऐसा करें, रुद्रा के सामने जाकर ऐसा कहें कि मेजर सत्यम ही तुम्हारा अगला टारगेट है, ये सुनकर वो टेंशन में आए और सुसाइड की कोशिश करे तो कंफर्म हो जाएगा सर। चुप करना तू। ये भी करके देख लेते हैं। सर सीरियसली बोल रहे हो आप? यस, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास, करके देखते हैं। क्या प्रमोद, मेजर के बारे में बता दिया तुमने? पॉलीग्राफ टेस्ट एक डमी था, लेकिन फेस रीडिंग के जरिए तुमने सब कुछ बता दिया। मेजर सत्यम ही अगला टारगेट है ना? वन ऑटोग्राफ प्लीज। अब क्या करना है, इसने तो अपने फेस के जरिए सब बता दिया। फिर भी सर एक बार जरा रूबरू देख तो लीजिए सर। सर प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये गुस्सा नहीं करेगा, इसने तो सच बता दिया ना। चलो फिर निकलते हैं। छोड़ो छोड़ो सर, छोड़ो सर, छोड़ ठीक करना, you all right? क्या बोल रहे हो करना? अगर जिंदा बच गया तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर वो इन्हें जो गोली लगी हुई है वो शरीर के काफी गहराई में लगी है, तो हमने अभी तो वो ठीक कर दिया, लेकिन जख्म थोड़ा सूख जाए तभी कुछ कह पाएंगे। थैंक्स डॉक्टर। जो लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं वो खुद क्यों सुसाइड करेंगे सर? ये सच में सुसाइड अटेम्प्ट है या पुलिस का एनकाउंटर? ऐसा आप लोग सोचते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सिटी में सीरियल किलिंग हो रही है, इसके बारे में आपका डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रहा है सर, बताइए सर। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, इंक्वायरी अभी चल रही है, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। सर मेजर हमारी बातों पर यकीन करेगा क्या सर? ऐसी बातें सोचकर हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमें पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करके इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेकर और क्या कर सकते हैं मूर्ति, वो आर्मी ऑफिसर है, हम उसे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हर एक घंटे में अपडेट करते हैं। ओके सर। सैचुरेशन चेक करते रहो। ओके। इंजेक्शन भी देते रहो। ओके सर। ओके।
ओके ओके थैंक यू वेलकम हेलो क्या बात होगी सर सर Excuse me, sir. Please, sir. एक मीटिंग, सर. सर, हमें कोई एक क्लू मिल जाए तो हम उस पर प्रोसीड कर सकते हैं अगर हमने रुद्रन को नहीं उठाया होता तो अब तक हमें एक भी क्लू मिला होता सर देखो हमें जो एक्शन लेना था हम ले चुके अब जो करने वाले हैं उसे क्लियरली समझ लो वो कोई साधारण आदमी नहीं है एक मेजर है वो अगर उससे गुस्सा आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा एक मीटिंग सर नो क्या कुमार मुझसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हो इवनिंग 4 o'clock आर्मी कैंपस में आ जाना वहीं मिलते हैं हेलो सर नाइस मीटिंग यू हैव अ सीट तुम लोग बाहर वेट करो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं बन गया ना मैं मेजर इट्स अ पावर अगला मिनिस्टर बन सकता हूं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं इतना ही नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बन सकता हूं क्या हुआ कुमार हाँ मैं अभी और 1000 साल जीने वाला हूं मुझे मौत नहीं आएगी तुम्हारे एक जन्म में अपनी 5 जिंदगियां जी ली है इसीलिए मैं कहता हूं भाग जाओ इतनी तकलीफ उठाकर जंग मत लड़ो ऑटोग्राफ चाहिए क्या बॉयज तुम जो कह रहे हो वो बहुत शॉकिंग है हमें किसी भी हालत में उसके लैब को ढूंढना होगा उस हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करना होगा अब हमें टीम बनकर काम करना है एक टीम जो ये पता करे कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है दूसरी टीम ये पता करेगी कि उसने उसका लैब कहाँ छुपा कर रखा है और तीसरी टीम आंगरे की रिपोर्ट पर वर्कआउट करेगी जितने भी ऑफिसर्स डिटेक्टिव्स रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स सबका इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर पहले इन्हें होश आया था इसलिए मैंने आपको कॉल किया थोड़ी देर पहले ये होश में थी लेकिन ये फिर से भी कोमा में चली गई हैं। मैडम आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या मैडम मैडम ये क्या है सर क्या लिखा है कुछ तो गोल गोल लिख कर दे दिया है कॉइन चांद सूर्य समझ नहीं आया ग्राउंड अरे लेकिन वो तो सीडी तुम थोड़ी देर बैठ जाओ क्या हुआ सर बचपन में जब ये कुएं में गिरा था ये उसी का डर है इसके दिल में वो डर अभी बैठा है अभी तुमने कुछ बोला क्या यही कि तुम कुएं में गिर गए थे और जख्मी वो कुआं भी तो हो सकता है ना वो जो गोलाकार का बनाकर दिया है
डॉक्टर प्रमोद के घर के पीछे भी एक कुआं है ना? एग्जैक्टली इमीडिएटली अभी उसे चेक करते हैं। सर कुआं मिल गया है। इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। उसे ओपन कर सकते हैं? सर अंदर कोई चैम्बर लगता है, उसको ड्रिल करके खोल दो। अच्छी बात है सर। Just few minutes. Password authenticated. Fine, it's working, good. जान है ना, अब देखते हैं हजार साल कैसे जियोगे। एकदम ऐसा ही था। हमारे यहां का लैब भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दिया है, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बात यहां पे थोड़ी अलग दिख रही है। मिस्टर कुमरन, इट्स हियर। रॉन्ग पासवर्ड। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। आप किसी हैकर ग्रुप को जानते हैं? उफ़, बिल्कुल भी नहीं सर। इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैंडम पासवर्ड जनरेटेड है। इन एवरी 5 मिनट्स इट इज चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली सर। ए, क्यों बार बार फोन कर रही हो? सर एक मिनट, घर से फोन। क्यों बार बार फोन कर रही हो? हे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हा? अरे कुछ बोलो भी, यहां पर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा। होल्ड करो, बाहर आ रहा। वीडियो कॉल किस लिए? सुनिए जी, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? आप फंस जाएंगे, वहां से निकल जाइए। किसी भी तरीके से अपने बच्चों को बचा लीजिए प्लीज। माँ, सर अब एक ही सॉल्यूशन है, जहां से पासवर्ड जनरेट किया गया अगर उस कंपनी के बारे में। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, कुछ कर सकते हैं सर। इसको तोड़ दें क्या? अगर हमने इसे तोड़ा तो ये फट सकता है सर। ये कोई सिनेमा की स्टोरी नहीं है बॉस। सर ये तो सिनेमा से भी खतरनाक स्टोरी है।
अजय, अजय सर, यहाँ का क्यू बॉक्स कहाँ चला गया? पता नहीं सर, करना सर आकर गए। मेरे बच्चों को कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ कम लोग आते तो पूछ सकता था कि आप लोग क्या खाना चाहेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट मेजर, हमारे पास एविडेंस है। ओह, डॉक्टर प्रमोद के लैब के बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। वन सेकेंड, यहां सब कोई मेरी इज्जत करता है। अपने आदमियों से कह दो कि जरा तमीज से पेश आए। मूव। सुनिए जी, क्या हो रहा है यहाँ? डिनर तैयार रखना, मैं रात को वापस आता हूँ। गाड़ी निकालो, चलो। हर जगह पर नाकाबंदी कर दो। ओके सर। इस गन में टोटल 6 बुलेट्स हैं। काम हो जाएगा ना? आप मेजर होकर ये सब क्यों कर रहे हैं? यू नो समथिंग, धरती पर जन्म लेने के बाद इंसान हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचता है कि वो अमर हो जाए। डीजल खत्म हो रहा है। ओके,
Maintain the safe distance. He is very unpredictable. से बचकर कहां गया होगा, कहां चला गया? इसीलिए हमने इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल लैब क्रिएट किया था। हे, हम लोगों ने जो अब तक चेक नहीं किया वो उसका लैब है, जल्दी से चलते हैं वहां पे। पुलिस और मेजर के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें स्वंगनुलु पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया है। वहां के पेट्रोल पंप पे कुछ काम करने वाले कर्मचारी घायल भी हो चुके हैं। इस एरिया की पुलिस और पब्लिक के बीच में हंगामा मचा हुआ है। हेलो, नमस्कार, सिट डाउन, बैठ जाइए। वो क्या बोलते हैं, कैसे हैं आप? दमा के पेशेंट हो? इससे पहले पानी पी लो। एक मिनट बेटा, सांस की तकलीफ हो रही है? अगर आपको छोड़ देंगे तो हमारे पिताजी को वो मार देंगे सर। जल्दबाजी मत करो, ये गन तुम्हें किसने दी है? देखो, तुम्हारे भाई को भी दमा है, सांस फूल रही है इसके। इनहेलर कहाँ है? नहीं रुको, नहीं, नहीं, नहीं। आ गया, जल्दी करो। सिस्टम एक्टिवेटेड, पावर रिसोर्सेस फंक्शनिंग नॉर्मल, मूव। Fingerprint authenticated. Position hard disk. Brain scanner activated. Brain scanner ready to function. रुक जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगी। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगी। Initiated.
100% from what brain data copy. Brain ready for transfer. Brain be ready. अब ये मत बोलना कि मैं नहीं मार सकता। देख क्या रहे हो, मारो गोली। Come on, shoot me. Shoot me. Hey, please. कुमार, कुमार, देख क्या रहे हो, मारो ना गोली मुझे। Come on. Shoot me. Shoot me. Shoot. कुमार, Come on, shoot me. Shoot, shoot.